अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर आप दुबई में लेमोजिन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप दुबई में अपनी फैमिली सेटल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसर वीज़े के ऊपर दुबई में आना चाहते हैं। तो कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको मेरा ईमेल एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मेल कर दें तो मैं आपसे अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा। फिर आगे व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था, तो इस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। न्यूज़ ये है जी कि दुबई गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है नक्शा नए एयरपोर्ट का। जो अल मखदूम एयरपोर्ट है वहाँ पे, ये दुबई के सिटी के अंदर जो एयरपोर्ट बना हुआ है, इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा अल मखदूम जो टर्मिनल है वहाँ पे, और रही सारी डाइवर्ट कर दी जाएंगी वहाँ पे आने वाले कुछ सालों के अंदर। एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया था गवर्नमेंट के पास पिछले साल नवंबर में, तो अभी ये अप्रूव हो गया है। जो काम इंशाल्लाह कुछ टाइम में आने वाले कुछ काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो जितनी भी फ्लाइट्स पहले यहाँ थी, कैपेसिटी जो थी यहाँ पे फ्लाइट्स की, तो आने वाले कुछ अरसे में जो भी फ्लाइट्स दुबई एयरपोर्ट पे मौजूदा जो एयरपोर्ट वहाँ पे आती थी सारी डाइवर्ट की जाएंगी वहाँ पे, और वो बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट होगा। जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा अल मखदूम में, तकरीबन 70 स्क्वायर एकड़ के जो, और इसका जो 5 रनवे इसमें बनाई जा रही हैं, जो नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है बहुत ही बड़ा है मौजूदा एयरपोर्ट से, और वहाँ पे एनुअली जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए जो कैपेसिटी है वो है 250 मिलियन पर ईयर के हिसाब से। मौजूदा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे 100 मिलियन से कम कैपेसिटी है जो एड कर सकता है एयरपोर्ट, मौजूदा एयरपोर्ट 100 मिलियन पैसेंजर से कम की है। लेकिन जो नया एयरपोर्ट की अप्रूवल हुई है अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे जो कैपेसिटी है 250 मिलियन पर ईयर के हिसाब से बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और बिजीएस्ट एयरपोर्ट। दुबई का जो मौजूदा एयरपोर्ट है यही बहुत बिजी है, और जो आने वाला नया बड़ा एयरपोर्ट होगा वहाँ की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो एयरपोर्ट बनने की वजह से जो कैपेसिटी है एयरपोर्ट की और भी बढ़ जाएगी, और ये पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं उनकी आमदोरफ्त भी ज़्यादा हो जाएगी, कि उसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही टूरिज़्म है, और जब ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली जो टूरिज़्म है वो भी बूस्ट होगा आने वाले दिनों में। बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल और टूरिज़्म की इंडस्ट्री में काम करते हैं। यकीनन अगर टूरिज़्म ज़्यादा होगा तो हर किसी का बिज़नेस भी बेहतर होगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए देखते रहिए शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। कीप वॉचिंग।